नेता प्रतिपक्ष सह चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी की अनुशंसा में डीएमएफटी मत से चंदन क्यारी प्रखंड अंतर्गत बरियाडी पंचायत में जेएसएलपीएस समूह के लिए सीएलपी भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई और आप सचिव दिलीप महतो ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई ने कहा कि अमर कुमार बावरी विधायक बनने के बाद चंदन क्यारी विधानसभा में बिजली, पानी और सड़क के अलावे अन्य क्षेत्र में तेज गति से विकास कार्य हो रही है। यह सीएलएफ भवन बनकर तैयार होने पर सैकड़ों महिला समूह यहां पर एक साथ बैठकर कई तरह के निर्णय ले सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधायक अमर बावरी महिलाओं के विकास के हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी के बरमसिया में पावर ग्रिड चालू होने से 20 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। हर गांव में जल नल योजना के तहत पानी टंकी और पाइपलाइन की कार्य चल रही है। सभी गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ी जा रही है। भवन का निर्माण बोरियाडी पंचायत के पंचायत भवन के समीप हुआ और इस योजना का अनुशंसा माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी द्वारा किया गया, जो अभी झारखंड सरकार के नेता प्रतिपक्ष हैं और इस क्षेत्र के लिए वे लगातार विकास की योजना को लगातार उतार रहे हैं, धरातल पर उतार रहे हैं। साथ ही महिलाओं के लिए ऐसे योजना इस सीएलएफ भवन निर्माण में महिलाओं के द्वारा सारे विकास की हम लोग का बहुत दिन का आस था कि कब हम लोग का अपना भवन बने ताकि हम लोग खुल के उसमें बैठक कर सके और आजीविकाओं से बढ़ सके और सभी दीदियों को इसमें जोड़ सके। आखिरी भवन किन के लिए बन रहा है? मतलब गाँव के लिए बन रहा है, लेकिन इनके लिए हम अमर कुमार बावरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि हम महिलाओं को देखते हुए उन्होंने भवन निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। हाँ, अमर कुमार बावरी जी के प्रयास से हुआ, इन महिलाओं के लिए ही कर रहे हैं। उसमें बोरियाडी पंचायत भवन के सामने सीएलएफ भवन आज महिलाओं के लिए बन रहा है, ये हमारे विधायक जी का और महिला और हमारे मुखिया जी का अथक प्रयास से और सरकार की मंशा है कि महिला लोग को आगे लाना है और इन लोग के लिए भवन बनना ज़रूरी है और ये बहुत ही बढ़िया जगह में भवन बन रहा है। एकदम रोड किनारे जगह भी हमारे मुखिया जी उपलब्ध करा दिए हैं। मैं मुखिया जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस तरह पंचायत भवन भी है और यहाँ सीएलएफ भवन भी बन रहा है।